आर वॉचिंग एमएससी ज्ञान एंड आई एम आसिया अंसारी. आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मस्ट एंड कम्युनिकेशन विथ अदर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर. सेंडर मीन्स आई एम. ओके, गिव्स इंफॉर्मेशन. जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ या कुछ बता रही हूँ. रिसीवर यानी आप सभी जो आप लोग बैठे हुए हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो कि मैं क्या बता रही हूँ. फीडबैक. मैंने आपको जो पढ़ाया, आपने जो सुना, उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि मैंने क्या पढ़ाया. सपोज मान लीजिए आज प्रेजेंटेशन है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन मस्ट, और मैंने आपसे पूछा कि कम्युनिकेशन मस्ट क्या है, तो आपने बता दिया तो मुझे फीडबैक अच्छा मिलेगा. अगर आप लोग नहीं बता पाए तो मुझे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा. तो जो नहीं बता पाएगा उसके लिए हम इस पे काम करेंगे. इसका नाम है एक्ट अपॉन. यानी मुझे बोलने में या समझाने में कोई मिस्टेक हुई होगी, या फिर आप तक वो बात नहीं पहुंची, या आप समझना नहीं चाहते, इस टाइप का कुछ हुआ, तो फिर हम इस पे काम करेंगे एक्ट अपॉन. लाइक आई हैव अ सम एग्जांपल. द कम्युनिकेशन टेक प्लेस टू ऑल मूड्स फर्स्ट रिटर्न. यानी लिख करके समझाना. मैंने आप लोगों के सामने इतना लिखा हुआ है तो ये रिटर्न जो आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. बर्बल बोल करके बोलना, कुछ चीज बोल कर समझाना. ओके, वो है वर्बल. विजुअल यानी निशानी, दिखाना. अगर हम कहीं जा रहे हैं तो अधिकतर जगहों पर हमें ऐसा निशान मिलता है कि यहाँ से ऐसा जाओ तो किसी का घर या अगर कोई ऑफिस कुछ भी हमें मिल जाए. ओके, तो रिटन यानी लिखकर, ओरल मीन्स बोल के, विजुअल यानी दिखा करके समझाना. कम्युनिकेशन विथ अदर्स. फर्स्ट कम्युनिकेट विथ अ सिंगल पर्सन. आप एक सिंगल पर्सन से कैसे बात करते हैं. सेकेंड, बी कॉन्फिडेंट एंड सीरियस. आप सबसे पहले अगर किसी सिंगल पर्सन से बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होकर के बात करें. ओके, सीरियस होकर के बात करें, ना कि एनी टाइम मजाक करें. थर्ड, यूज सिंपल वर्ड्स. आप ऐसा वर्ड यूज करें कि सामने वाले को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हो और क्या नहीं बोल रहे हो. ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आपने कुछ भी बोल दिया और उसे समझ में नहीं आया और आपको वो बात फिर रिपीट करनी पड़ रही है. तो यूज सिंपल वर्ड. फोर्थ, बी अ गुड लिसनर. आप एक अच्छे लिसनर बनिए कि सामने वाला आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहे. ठीक है. फिफ्थ, यूज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज. आपकी बॉडी लैंग्वेज, कोई भी सामने वाला आपकी बात तभी सुनता है जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपके हैंड्स अच्छे होंगे. आपका फेस जरूरी नहीं है कि अच्छा होगा तभी कोई आपसे इफेक्टिव होगा. आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. सिक्स, बी एक्सप्रेसिव विथ योर हैंड्स. कोई कोई बोलने से नहीं समझ पाता है तो आपके हाथों से, हाँ ये ऐसा है, यहाँ पर ये कॉपी रखी हुई है, यहाँ पर ऐसा, मतलब हमारे हाथों से भी समझाना. ये क्या कहलाएगा, बी एक्सप्रेसिव विथ योर हैंड्स. हम अपने हाथों से समझा रहे. देन इनकरेज फीडबैक. इतना कुछ होने के बाद हमें सामने वाले से फीडबैक अच्छा ही मिलना चाहिए कि उसे कुछ समझ में आया या नहीं. तो देन हिना, बी अ गुड लिसनर. अच्छे लिसनर बनो ताकि बात समझ में आए, अच्छे से बोलना चाहिए. राहुल, कम्युनिकेट विथ अ सिंगल पर्सन. काशिफ, अच्छे से बात करनी चाहिए, मतलब. सचिन, बी कॉन्फिडेंट एंड सीरियस. हमें बिना मजाक किए एकदम सीरियसली बात करनी चाहिए. सो कीप वॉचिंग एमएससी ज्ञान
नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा लेकर के आएंगे। थैंक यू।